रूस की यात्रा के बाद जब ऑस्ट्रिया पहुंचे तो वियना में उनका भव्य वहां पर स्वागत किया गया। वजीर आजम वो रशिया का ट्रिप है उसे कंक्लूड करके ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं और कहा जा रहा है कि बहुत देर बाद ये हुआ है कि कोई फ्लाइट जो मॉस्को से चली हो वो यूरोप गई है, क्योंकि जो बेलारूस है और यूक्रेन जो है उसकी एयर स्पेस बंद है, कोई फ्लाइट वहां से नहीं जाती। वैसे उनको परवाह ही नहीं था। इन द इवनिंग ऑफ नेटो समिट ये भी बहुत क्या इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुहालफत तो की है लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया, लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज की और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को उसने बेचा। एंड सो वी आल्सो बिलीव इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद रशिया गिव्स इट द एबिलिटी टू अर्ज द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पुतिन टू एंड हिज ब्रूटल वॉर एंड अनप्रोवोक्ड वॉर। उसने शी जिनपिंग जो कि चाइना का राष्ट्रपति है उसके लिए किसको भेजा? उसके लिए एक ऐसे बंदे को भेजा जो मोदी जी को रिसीव करने गया था, उसका भी जूनियर। जब ज्यादा दबाव आ गया भारत के ऊपर फिर भी भारत ने रूस को कंडेम नहीं करा। मोदी लेगेसी, मोदी साहब के स्टैचू लगेंगे बाद में। मोदी साहब के बारे में दुनिया प्राइड से, नेहरू के जिस तरह, गांधी, वो एक अलग चीज है। मतलब आपके, वो कहते हैं आपके पे ग्रेड से भी बड़ी चीज है। ग्रुप उसने भी कह दिया, ये क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए? स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है, तड़प रहा है कि भारत जिस तरीके से गया वहां पे रशिया में और जो वेलकम किया गया अमेरिका के, टोटली फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑप्टिक्स था। मगर एक बात जरूर है, मैं आपको बताऊंगा, हिंदुस्तान वालियों तो बड़े खुशी मनाएंगे ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रूस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की ऐतिहासिक यात्रा की है। दरअसल पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा ऐतिहासिक होने के साथ साथ काफी विशेष भी है। बता दें कि 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। आज बुधवार को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पीएम मोदी पहुंचे। ऑस्ट्रिया ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जिसका पीएम मोदी ने आभार प्रकट किया। उन्होंने प्रेस मीट के दौरान कहा, मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। पीएम मोदी ने आगे कहा कि लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और आपसी हित से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मैंने और चांसलर नेहमर ने दुनिया में चल रही विवादों पर विस्तार से बात की। मैंने पहले भी कहा है कि ये इरा युद्ध का नहीं है। उन्होंने कहा कि हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं, हम सहमत हैं कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। नरेंद्र मोदी जो है भारत के वजीर आजम, वो जो रशिया का ट्रिप है उसे कंक्लूड करके ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं और कहा जा रहा है कि बहुत देर बाद ये हुआ है कि कोई फ्लाइट जो मॉस्को से चली हो वो यूरोप गई है, क्योंकि जो बेलारूस है और यूक्रेन जो है उसकी एयर स्पेस बंद है, कोई फ्लाइट वहां से नहीं जाती। वैसे भी आपको पता ताल्लुकात, एक तो मोदी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ही इज अ वन मैन हु कैन कनेक्ट ऑल ऑफ देम। सब आज इतना कुछ, ज्यादा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, मैं हैरान हूं कि इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर हो क्या रहा है। अब मैं जरा बताना चाहूंगा आपको, खासकर मोदी साहब के हवाले से जो इस वक्त चीजें मॉस्को में हो रही है। चीमा साहब, मैंने कल भी आपको बताया था कि मोदी साहब अपना कंसर्न लेकर गए थे रशिया के पास, क्योंकि रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप आज के नहीं है, बल्कि आप 1947 से भी पहले के कर लें तो मुबालगा राय नहीं होगी। उनको कंसर्न था भारत को कि चाइना के साथ रशिया बहुत एक दूसरे के करीब हो रहे हैं और हमारा व्हाट इज आर फ्यूचर। और इस वक्त भी मैंने आपको बताया था 60% आर्म सेल जो है, आर्म परचेज जो होती है वो रशिया से होती है भारत की, तो कंसर्न थे उनको। उनको रशिया ने बड़े अच्छे तरीके से किया, अवार्ड वही दिया जो उन्होंने प्रेसिडेंट शी को दिया था। आपने देखा होगा वो एक हार सा है, अवार्ड है गले में उन्होंने डाला। इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है, तड़प रहा है कि भारत जिस तरीके से गया वहां पे रशिया में और जो वेलकम किया गया और जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें परेशान है, स्टेट डिपार्टमेंट तड़प रहा है, इसमें बहुत बड़ी बात है। फिर जो जो इसमें से मैं चीमा साहब अगर किसी वक्त फिर इसके बाद इसके बारे में बोलूंगा, मैं इस वक्त भारत की जमहूरियत से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। उस पर मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है,
वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडम किया। ये तब होता है जब आपने IMF से लोन ना लेना हो, ये तब होता है जब आपकी इकॉनमी 8% पे ग्रो कर रही है। बल्कि आज किसी से बात कर रहा था, हमारे बाबा जी बाइडन की जो डिबेट हुई है उसका रिजल्ट आज निकला है। मैंने अर्ज किया था उस दिन आपके साथ ही, ये मैंने अर्ज किया था देखने वालों को कि दो लोगों ने इसको देखा है बड़े गौर से, एक तो पुतिन साहब ने देखा है, दूसरे प्रेसिडेंट शी ने देखा है। उनको नजर आ रहा है अमेरिका बीमार है, अमेरिका की हालत बिल्कुल ही है जो बाइडन की हालत है, पैंपर में पेशाब कर रहे हैं वो मुसलसल। कल सारा दिन व्हाइट हाउस में प्रेस जो है उन्होंने चीख चीख के कहा है कि बाबा जी पैंपर पहनते हैं, डिमेंशिया की दवाइयां ले रहे हैं। जो ड्रामा यहाँ पे नेटो का शुरू हुआ है वॉशिंगटन DC में, ट्यूजडे से थर्सडे तक ये ड्रामा होगा। यहाँ पे 32 मुल्क इकट्ठे हुए हैं, 75 साल 75 years इनको हो चुके हैं नेटो को, एक यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है। इकट्ठे होंगे, नेटवर्किंग करेंगे, अपने अपने मुल्कों से पैसे ला के वहां यहाँ वॉशिंगटन DC में अच्छी अच्छी बिस्कियां पिएंगे, खाने खाएंगे, एक दूसरे को लतीफे सुनाएंगे। जाती दफा मेरे जैसे लोगों के पैसे डॉलर लेकर यूरोप चले जाएंगे, इसी के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन तार साहब, वो नेटो का एक फायदा तो है कि रशिया डरा रहता है, वो यूरोप पे हमला नहीं करता, वरना यूरोप पे वो हमला कर दे अगर वो ये जो इसका आर्टिकल है Article 5 कि एक मुल्क पे हमला, सब पे हमला तसव्वुर किया जाएगा, वो काम तो कर रहा है, रशिया डरा हुआ, क्या कहेंगे आप इस पे? ये गलत बात, मैं अगर डरा होता तो इनको सलामी ना पेश करता 21 तोपों की शाम को। कल शाम को इनके समर शुरू करने से पहले उन्होंने 21 तोपों की सलामी पेश की। अगर डरा होता तो ये ना करता। शाम ने पता है, इनको चेक कर लिया गया है कि जिस तरीके से ये काबल से बच्चों की डेड बॉडियां उठा के भागे थे, उन्होंने देख लिया। 25 करोड़ लोगों को तो खैर पानी में, पता नहीं है कि चुल्लू में डूब के मरने से क्या इसका मतलब है। लेकिन कल एक खबर पड़ी है, मुझे मेरे जिस्म का एक बाल खड़ा हो गया, और ARY पे खबर चली है इस अमेरिका वॉशिंगटन DC के अंदर पाकिस्तान की अम्बेसी का एयर कंडीशन 4 साल से बंद है, खराब। ना करें तार साहब, ये खबर आई है, गूगल करके देखें। कल ARY ने खबर चलाई है कि पाकिस्तानी अम्बेसी इन वॉशिंगटन DC पिछले 4 साल से एयर कंडीशन बंद है, और उसमें आपके जो जाने वाले एम्बेसडर साहब कह रहे हैं, मैं आने वाले एम्बेसडर को कहूंगा कि आके एयर कंडीशन ठीक करा, हमारे पास पैसे। ये हम तो मैंगो डिप्लोमेसी वहां पे कर रहे हैं, तो अमेरिकन के अंदर तो बड़ा हाई एयर कंडीशन है, लोग कैसे रह रहे हैं? ताड़ साहब 10-20-50 लाख डॉलर खर्चा आता होगा, पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, आपको ही ताड़ साहब कहते हैं। बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पे रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मेंटुरोव ने रिसीव करा, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मेंटुरोव ने रिसीव करा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को रिसीव करा था मेंटुरोव के जूनियर ने, आप समझ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं ना कौन कहां खड़ा रहता है, किस क्रम में कौन कहां खड़ा है, किसने किससे पहले मिला, हाथ मिलाया, कैसे हाथ मिलाया, गले मिले कि नहीं मिले, ये सारी मैसेजिंग होती है। एवरीथिंग इज अ मैसेजिंग इन डिप्लोमेसी, एवरीथिंग इज मैसेजिंग। प्रधानमंत्री आए, उनका दरवाजा किसने खोला? क्या सिर्फ गार्ड ने खोला या कोई और था? क्या उनको रिसीव करना कौन था? क्या जब वो आए तो व्हाइट हाउस के बाहर जो बाइडन था प्रधानमंत्री को, मोदी को रिसीव करने के लिए, कि नहीं था? एवरीथिंग काउंट्स एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिप्लोमेसी, कोई ऐसी चीज नहीं हो जाती। अब यहां पे देखो, मैं फिर से आपको रिपीट करके बताता हूं दोस्तों, ये है कि रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मेंटुरोव ने रिसीव करा, और सिर्फ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने शी जिनपिंग को रिसीव करा था, जो कि 1.5-2 महीना पहले रूस आए थे। अब ये देखिए, द प्रोटोकॉल ऑफ हैविंग मेंटुरोव पर्सनली वेलकम PM मोदी एंड अकंपनी हिम टू द होटल इन द सेम कार सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। यानी कि जो मेंटुरोव हैं, फिर जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को रिसीव कराया एयरपोर्ट पे, वो उतरे जहाज से तो उनसे मिला, हेलो सर वेलकम, रशिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर वो एक ही गाड़ी में बैठ कर गए और वो होटल तक छोड़ के आए प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिस होटल में मोदी जी रह रहे थे।